तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट वी डिस्कस अबाउट दी SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन क्या है? वही जैसे हमने SN1 की बात की है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। मीन्स व्हाट? जो रिएक्शन जो परफॉर्म होगा कितने जल्दी होगा या कितने धीरे होगा, सो वो दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट? दी टू सब्सट्रेट और दी टू रिएक्टेंट। एक्चुअली जो यहाँ पर जो अटैकिंग है, मतलब जो ब्रोमीन है अटैकिंग यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो, देखिए हियर ये क्या है, इथिल क्लोराइड, देखो CH3, हियर यू कैन सी CH3, देन CH2, Cl, इथिल क्लोराइड। इस इथिल क्लोराइड क्लोराइड पे भी डिपेंड करेगा एज वेल एज द अटैकिंग वॉट एवर इट इट इज हियर अटैकिंग द ब्रोमीन नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। तो ये दोनों पे भी डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। बोथ आर गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट इज SN2 रिएक्शन, इज इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नाउ लेट्स सी, अब यहां पर देखिए आप लोग, हियर इन दिस केस ये जो इथिल क्लोराइड है वो इथिल क्लोराइड में, मतलब जो पीछे का ग्रुप है, मतलब ये जो इथिल ग्रुप है टोटल CH3CH2, सो ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं। इट मीन्स दी बोथ फ्रंट अटैक फ्रॉम द ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन अटैक करेगा, सो फ्रंट अटैक एज वेल एज बैक अटैक बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पर जो है फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है और जो बैक अटैक है दोनों भी पॉसिबल है। तो होगा क्या, अगर वो बैक अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे आपको ये केस दिखाई दे रहा, दिस केस इज नथिंग बट द वॉट, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और वही अगर सामने से अगर अटैक करता है ये ब्रोमीन, लेट सपोज ये सामने से अटैक करता है, या तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पीछे से अगर मारता है बाहुबली, ठीक है ना, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, सो दैट इज व्हाट, पीछे से मारा मतलब बैक अटैक, तो क्या हो गया, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर वही अगर सामने से अगर फ्रंट अटैक करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ है, जब हम एक्सपेरिमेंटल चीज एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, जो वेरीफाई हुआ उससे क्या मिला है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से, कि बैक अटैक जो हमें प्रूफ मिला वो क्या है, बैक अटैक को ज़्यादा सपोर्ट करता है, किसको, बैक अटैक को। याद रखिए, मतलब SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन में बैक अटैक इज फेवरेबल, दैट इज द केस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ईपीडी, लेट मी टॉक अबाउट द ईपीजी। तो सिंपल, SN2 रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन, SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन, SN1 टू स्टेप, SN2 वन स्टेप। लेट्स सी हियर, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप R, this is R and this is the living group. So what will happen? Just by getting the activation energy, इतना यहाँ पे जाएगा transition state में, ये एक तरफ से nucleophile attack कर रहा है, back attack, और living group, यहाँ से living group बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, here you can see that, nucleophile, R, living group, so nucleophile is attacking, living group is now ready to leave, ये transition state में, और जैसे product बनेगा तो क्या हो गया, R के साथ ये nucleophile attach हो गया, living group बाहर निकल गया, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस एनर्जी, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन कॉर्डिनेट मतलब रिएक्शन प्रोग्रेसेस इज द एनर्जी एंड दिस इज नथिंग बट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सिंपल क्या होगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा क्योंकि एक ही बार में अटैक हो रहा है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे दोनों भी चीज़ें पे लिविंग ग्रुप कितने फास्ट निकल रहा है और जितने जल्दी न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर रहा है, तो दोनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली व्हाट डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड हेन इट इज व्हाट द बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो बताया, खो खो, एक अगर ये क्या कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है किसको, खो दे रहा है, खो, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द व्हाट
दी एस एन टू रिएक्शन। ठीक है, चलो मैं आपको नेक्स्ट एक छोटा सा क्लास फिर से लूंगा और वहां पे आपको कंपेयर करके बताऊंगा SN1 SN2 रिएक्शन, इसको हम किस तरीके से, हालांकि जरूरत नहीं आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बट फिर भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैप्पी, टे ट्यून, बाय बाय।